नमस्कार ऑल ऑफ यू, वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री महेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। आ जाइए फटाफट से एंड सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज विच यू लाइक। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। कीप योर नेक एंड बैक स्ट्रेट, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। एक मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे और अपने ईश्वर को नमन करेंगे, परमात्मा को नमन करेंगे एक मिनट के लिए आंखें बंद करके। गुड मॉर्निंग चेतन जी, नमस्कार रुचि मैम, आ जाइए फटाफट से आ जाइए। एक तो जब आप सुबह सोकर उठे ना, तो कई लोग तो क्या है जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठने की आदत रहती है, नींद खुल जाती है, नींद बहुत ज़्यादा नहीं आती, और कई थोड़ा सा देर से उठते हैं। तो जो देर से उठते हैं वो कोशिश करें जल्दी उठने की, और जो टाइमली उठ जाएँ वो सुबह सुबह थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी पी के थोड़ा सा छत पे वॉक कर लिया, या लॉन में वॉक कर लिया, या घर के अंदर ही वॉक कर लिया। राधे राधे दिनेश जी, आ जाइए फटाफट से जुड़ जाइए। और जो बच्चे जग गए हैं ना, उनको भी बोल दीजिए फ्रेश हो लें फटाफट से और बैठें थोड़ी देर के लिए। वेलकम डियर ओम, बहुत अच्छा। देखो बच्चे का नाम लिया और प्रिय ओम आ चुका है, बच्चे भी जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा उनको। आ जाइए फटाफट से। हाँ मैं बात कर रहा था, जब सुबह आप उठ जाए ना टाइमली, बच्चे भी उठने लगे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बच्चे भी उठ जाए तो सुबह से उठ के थोड़ा सा पानी पी लिया, गुनगुना पानी। देखिए बच्चे भी पानी पियेंगे, ऐसा नहीं कि बड़ों को ही पानी पीना है, बच्चों को भी पानी पीना है। गुनगुना पानी उनकी मम्मी या पापा उनको दे दें, और एक गिलास पानी उनको भी, जबरदस्ती नहीं पीना भाई, हो सकता है शुरुआत में आधा ही गिलास पानी पिए। नमस्कार स्नेहा जी, राम राम सुशील जी, हाँ बताएं, बिल्कुल बताएंगे अच्छी नींद कैसे आए वो भी बताएंगे। गुड मॉर्निंग डियर अरविंद, ओहो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुलवन जी, नमस्कार नमस्कार। आइए विमल जी, वेलकम वेलकम वेलकम। मीना जी वेलकम, नमस्कार। तो मैं कह रहा था बच्चों को भी पानी पीना है। बच्चे क्या है, पानी नहीं पीते मॉर्निंग में उठ के, और वो जब टॉयलेट में फ्रेश होने जाते हैं ना, तो वो फ्रेश हो ही नहीं पाते, उनको जोर लगाना पड़ता है अपने एनएस वाले पार्ट पर, और ये जोर लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग दिलीप जी। तो जो सुबह पानी की बात मैं कर रहा था ना, तो इस तरह से उकड़ू बैठ के, ये इस तरह से उकड़ू बैठ के बच्चों को ग्लास में पानी दे दें, और बेटा उसको अच्छे से समझा दें कि ये पानी आपको पीना ही पीना है। क्योंकि जितना पानी आप पिएंगे ना मॉर्निंग के अंदर, ये अपने आप स्टूल पास होने वाला है। आप बाथरूम में टॉयलेट में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, आपको तुरंत स्टूल पास होने लग जाएगी। चंद्र प्रकाश जी नमस्कार, आज बहुत बढ़िया बढ़िया आसन आने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आज मैं प्राणायाम नहीं, आज आसनों की बात ही करने वाला हूँ। और देखिए जो सुबह उठकर पानी पी लें ना, पानी पीने के बाद में एक योग में उद्राकर्षण होता है। उद्राकर्षण में क्या करना है, जैसे मॉर्निंग पानी पी लिया, पानी पीने के बाद में जो हमारी आंतें हैं ना, उसका जो संरचना है वो शंखनुमा है। एक्चुअल में जब पानी पीते हैं ना, इस तरह से पानी नीचे जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो पानी पी के आप
पहले तो कुछ खड़े होने वाले आसन में आपको बता दूं क्या करना है। देखिए इस तरह से पानी पी के दोनों पैरों में गैप करते हुए, ये कटी चक्रासन बोलते हैं इसको। इस तरह से आप मेरे साथ ही कर लें, चाहे तो थोड़ा वार्म अप भी कर लेते हैं, पर मैं आसन भी बताता जाऊंगा आपको। ये वाला आसन कर लें, ये पानी पी के 4-5 बार ये वाला आसन कर लें। और एक उद्राकर्षण भी होता है, इस तरह से उकड़ूक बैठकर, जिनके नीज में प्रॉब्लम हो जबरदस्ती मत करना। अदरवाइज देखिए एड़ी को ऊपर उठाते हुए दोनों हथेलियों को घुटने पे इस तरह से लगा लें, और एक नी को, राइट नी को लेफ्ट पंजे की तरफ इस तरह से, और आपको इस तरह से देखना है अपोजिट साइड में, फिर लेफ्ट वाले नी को राइट पंजे की तरफ, और ये इस तरह से देखना है आपको। इस तरह से ये बदल बदल के करना है। ये इस तरह से इसका अभ्यास करना है, ठीक है। लेकिन नीज में प्रॉब्लम हो तो जबरदस्ती मत करना, अदरवाइज कोशिश करके देखना। पहले तो खड़े होकर अपन ने वो आसन किया, वो कर लेना पानी पी के, ठीक है। और एक उत्कट आसन और होता है, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस तरह से दोनों हाथ सामने लाकर शरीर से कुर्सी नुमा आकृति अपन को बनानी है, ऐसे बैक को स्ट्रेट रखना है, इसमें कमर सीधी रखनी है, फिर से देखें एक बार, दोनों हाथ सामने और ये बैक को स्ट्रेट रखते हैं। ये आसन आप पानी पीके, ठीक है। एक आसन और इस तरह से त्रियक ताड़ासन इसको बोलते हैं हम, ये पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है आपको, और धीरे धीरे ये इस तरह से मॉर्निंग में पानी पी के ये 3-4 आसन आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। ओके चलिए वार्म अप कर लें पहले थोड़ा सा। जिनको कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द हो ना, वो केवल इस तरह से पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, बाकी धीरे धीरे जंप करें। और एक मुंह को बंद रखते हुए श्वास आपको नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, ये ध्यान रखें। रिलैक्स करें, नॉर्मल कर लें ब्रेथ को। नाउ पैरों को साइड से रिलैक्स,
पैरों को पीछे से इस तरह से प्रेशर देंगे आप बदल बदल के, या इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट कर पाए तो ट्राई टू टच योर हील्स टू द हिप्स। रिलैक्स आगे से ऊपर नीचे, रिलैक्स। नमस्कार, गुड मॉर्निंग गौरव जी। नाउ वी विल प्रैक्टिस कोणासन, सो मेक सम गैप, दोनों पैरों में फासला करना है, इसे बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट, एक हाथ को ऊपर उठाएंगे साइड से ब्रीद इन करते हुए। नाउ हथेली का रुख चेंज कर लेंगे यानी आसमान की ओर, और धीरे धीरे पहले बॉडी को स्ट्रेच करें, ये वाले पार्ट से स्ट्रेच करना है आपको। नाउ यू हैव टू लीन योर बॉडी राइट साइड, चेंजिंग पोजिशन, फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रेच फ्रॉम दिस साइड, then lean your body other side and hold it, changing position, देखिए ये जो आसन कर रहे हैं हम, कोणासन की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, इसमें बॉडी को न तो आगे ले जाना और न पीछे, बॉडी को अपने वेस्ट वाले पोर्शन से, कमर वाले पोर्शन से स्ट्रेच करना है। अब जो हम अभ्यास हम करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो है स्टमक पंपिंग, यानी पेट को आपको पंप करना है। तो जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है, कब्ज़ की शिकायत जिनको रहती है, यानी कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, इनडाइजेशन जिनको रहता है, और पेट पे टाइटनेस जिनको है ना, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये। राम राम रवि जी। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों में आपको इस तरह से फासला करना है, बैक को हल्का सा स्ट्रेट करना है, पूरा लंबा श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकाल के हल्का सा रोकना है, और श्वास को रोकी हुई पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करना है। देखिए शुरुआत में हो सकता है आपसे कम हो, दो या चार बार, पांच बार हो, लेकिन डेली यदि हम इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये पंपिंग बहुत अच्छे से होने वाली है। वापस से करें और एक राउंड करने के बाद सीधे खड़े होकर लंबा सांस लेके छोड़ें, फिर दोबारा करें।
फिर से एक बार। अब देखिए, हो सकता है जो बिल्कुल नए साधक है ना, नए प्रैक्टिशनर हैं, न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, वे उनको एक प्रोसेस और बता रहा हूँ। वे यदि ये पंपिंग नहीं हो तो उनको क्या करना है, श्वास लेते हुए पेट फूलाना, श्वास छोड़ते हुए पिचकाना। इसको थोड़ा सा तेज गति से करने की कोशिश करनी है। कैसे? इस तरह से सीधे खड़े हो जाएं। तो जिनको घुटनों में दर्द है ना, उसमें नीज भी बैंड नहीं करना, इसके अंदर आपको नीज बैंड नहीं करना। इस तरह से दोनों हाथ कमर पे रख लिए एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हेयर ओनली। आपको यहाँ ध्यान लगाना, फिर करना है। कैसे? श्वास लिया, पेट फुलाया, छोड़ते हुए अंदर किया, श्वास लिया, पेट फुलाया, छोड़ते हुए अंदर। हल्का सा रिलैक्स करें और इस तरह से देखें इसको वापस से। श्वास लेते हुए पेट फुलाना है, छोड़ते हुए अंदर करना है। इसमें दृष्टि आपकी सामने रहेगी, सामने देखते हुए इसका अभ्यास करना है आपको। फिर से देखेंगे, दोनों हाथ आपके कमर पे रहेंगे इस तरह से, दोनों पैर इसमें मिले रहेंगे, ध्यान रखेंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे और शरीर को थोड़ा झुकाकर रखेंगे, 60 डिग्री एंगल पर बॉडी को आगे झुकाकर रखेंगे और फिर श्वास लेते हुए पेट फुलाना, छोड़ते हुए अंदर करना। धीरे धीरे इसमें गति को बढ़ाएंगे, यानी थोड़ा तेज, जैसे कपाल भांति करते हैं ना, ये हल्का फुल्का उसी तरह से है। लेकिन कपाल भांति में तो क्या है, अपन श्वास को लेते नहीं है, इसमें श्वास को लेना भी है आपको। श्वास को लेते हुए पेट फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर करना है। रिलैक्स करें, नॉर्मल कर लें और अपने स्टमक को लूज कर लें, पेट को ढीला छोड़ दें। अब हम करने वाले हैं देसी दंड बैठक। तो जिनके घुटनों में दर्द हो ना, वे जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि जिनको मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पे जिनके एक्स्ट्रा फैट रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है देसी दंड। चाहे 10 ही करो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 ही करो, लेकिन कोशिश करो। इससे हमारे क्या है, जोड़ मजबूत रहेंगे, हमारे नीज में जल्दी से दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करें, घुटनों में दर्द है तो जबरदस्ती मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ। जितना कंफर्टेबल इजीली हो ना तो ही करना, अदरवाइज मत करना। दोनों पैर मिला लें इस तरह से, या चाहे तो हल्का सा फासला भी दोनों पैरों में कर सकते हैं आप। ठीक है, नाउ स्टार्ट, मेक ए फिस्ट, कीप योर थंब इनसाइड, मेक ए फिस्ट। और श्वास का जो प्रोसेस है वो आपको नाक से करना है, मुंह बंद रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, आज इतना ही करें, 20 कर लीजिए आप, नहीं तो थक जाएंगे। ब्रेथ को नॉर्मल, अब क्या करना है, दोनों पैरों में फासला करना है। जिनको कमर दर्द हो ना, वो आगे की तरफ मत झुकना, ये ध्यान रखना। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ले जाने हैं, हल्की सी बैक बेंडिंग, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। कैसे, इसमें आपके दोनों घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, घुटने को सीधा करते हुए, और आराम से बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट, अपनी स्पाइन पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए करें इसका अभ्यास। जबरदस्ती नहीं करना, जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करिए, मैं करता जाऊंगा, ध्यान रखना। इसलिए जितना इजी लगे आपको उतना ही करना। नॉर्मल कर लें ब्रेथ को। दोनों पैरों में फासला कर लें, दोनों पैरों को खोल लें, दोनों पैर खोलकर नीज आपके बिल्कुल स्ट्रेट, और हथेलियों को टिका दें नीचे, हथेली नीचे टिका दें, और थोड़ा सा होल्ड करें। पैरों में चाहे तो गैप कर लें, यदि हाथ आपके नीचे नहीं आ रहे हैं प्रॉपर, तो पैरों में थोड़ा फासला करके कर लें। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। पैरों में फासला अपनी क्षमता अनुसार कर लें, जितना कंफर्टेबल आप कर पाए उतना कर लें। रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे देखिए, एक तो अपन डायरेक्ट ये ले आए इस तरह से पैरों को, और ये पैर खोल लिए अपन ने, लेकिन अपन को क्या करना है, इसमें बिल्कुल धीरे धीरे लाने हैं पंजों को, बिल्कुल धीरे धीरे करें, फिर अपनी हथेलियों को इस तरह से खड़ा कर लें। ये दोनों पैरों को पास में लाने की जितनी कोशिश करेंगे, तो लोअर आपकी लोअर एब्डोमेन पे भी इफेक्ट आएगा, और लोअर बैक पे भी इफेक्ट आने वाला है। नमस्ते भाई नवनीत। दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें इस तरह से, और फिर धीरे धीरे आराम से ऊपर उठें। रिलैक्स। फिर से दोनों पैरों में फासला। राइट हैंड से लेफ्ट को, और लेफ्ट से राइट को।
रिलैक्स, नॉर्मल योर ब्रेथ। नाउ पैर के पंजों को इस तरह से हल्का हल्का बेंड करते हुए स्ट्रेच करना है आपको। इस वाले पार्ट को यहाँ हाथ रख के स्ट्रेच करना है। जितना सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं करें। बदल के फिर से एक बार थोड़ा सा इसको फास्ट भी कर सकते हैं स्ट्रेच करने के लिए। जो थाई वाला जॉइंट है आपका उसको स्ट्रेच करने के लिए इस तरह से हल्का हल्का नीचे की तरफ प्रेशर दें आप। रिलैक्स करें, नॉर्मल कर लें फिर से ब्रेथ को। नाउ मेक ए फिस्ट, कीप योर थंब इनसाइड एंड मेक ए फिस्ट। ये जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी जिनको रहता है ना, उनके लिए अच्छा प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, अंगूठा अंदर के मुट्ठी बना के मुट्ठी खोलकर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, अब आपको क्या करना है, देखिए पंजों के बल स्ट्रेच करना है, पंजों के बल बॉडी को स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है और फिर धीरे धीरे चलना है आपको इस तरह से। ये एड़ी ऊपर उठा ली, देखिए एड़ी पूरी ऊपर उठा लीजिए, एड़ी ऊपर उठा के और बॉडी को स्ट्रेच कीजिए ऐसे, ये वाला जैसे ताड़ासन करते ना उस तरह से करना है हमको, और धीरे धीरे चलना है इसी पोजिशन में। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, उनके लिए भी उपयोगी आसन है और बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है ये। बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करने की कोशिश करें, पूरा स्ट्रेच करें। रिलैक्स,
ओके, सिट डाउन ऑल ऑफ यू, बैठ जाइए सभी। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज विच यू लाइक, और चाहो तो वज्रासन में बैठ जाओ इस तरह से। वज्रासन में कैसे बैठना है? वज्रासन में एक पैर को नीज से बैंड करते हुए हिप्स के नीचे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से। ये देखिए, पीछे से आपको बता दूं मैं, पंजे जो हैं आपके एक के ऊपर एक नहीं रहेंगे, ये पंजे आपके अंगूठा एक के पास में एक रहेगा। आराम से बैठ जाइए इस तरह से वज्रासन में। बैठ के थोड़ा सा अपन अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना के एक बार श्वासों के लिए श्वास लेते हुए हाथ ऊपर छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, नॉर्मल योर ब्रेथ, सामान्य कर लें श्वास को। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ आसन होना चाहिए, बड़ों के लिए भी है। वैसे ये सिंहासन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जिन बच्चों में डर बहुत ज़्यादा रहती है, डर की भावना जिनकी रहती है, उनके लिए सिंहासन बहुत अच्छा है। फेस मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है इसके अभ्यास से। और जिनको थायराइड, पैराथायराइड या गले संबंधी विकार है ना, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है ये सिंहासन। इसमें क्या करना है, पूरा लंबा श्वास आपको लेना है, श्वास को बाहर निकाल के हल्का सा रोकना है और श्वास को रोकी हुई पोजिशन में, यानी श्वास को बाहर छोड़ते हुए जीभ को पूरा बाहर निकालना है, आंखों को ऊपर रखते हुए चेहरे को डरावना बनाने की कोशिश करनी है इसमें। पहले श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकालते हुए जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे और आँखों को यहाँ आपको ध्यान को केंद्रित करना है, मतलब यहाँ आपको देखना है इंटरनलाइज से अपनी, और जीभ को पूरा बाहर निकालते हुए, यानी ये आसन करना है आपको, इसको सिंहासन अपन बोलते हैं। तो रोर लाइक ए लॉयन और लॉयनेस, आवाज़ को इसमें तेज निकालने की कोशिश करना है। फिर से करें, बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये यदि आसन वो करेंगे ना तो उनको डर लगेगा ही नहीं। कई बच्चों को तो सपने आते हैं रात को सोते समय कि अकेले नहीं सोना, पापा मम्मी के साथ सोना है हमें। थैंक यू सो मच रुचि मैम। टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल, ओके ओके मैम, इसके जस्ट बाद में, वैसे तो समय हो चुका लेकिन फिर भी मैं एक बार जरूर बताऊंगा। ये आसन समझ में आ गया सबको? थायराइड, पैराथायराइड जिनको है, गले में खराश रहती है, कफ जिनको बनता है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ओके, रिलैक्स। आपको दोनों हथेली को रगड़ के और इस तरह से गले की मसाज करनी है। देखिए, जो ये जो वायरस है, कोरोना जो वायरस है, सबसे पहले हमारे लंग्स पर अटैक करता है, एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। तो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इन केस प्रॉब्लम हो भी जाती है ना, तो ये दो तीन कुछ लंग्स के लिए एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे क्या है, इम्यून सिस्टम हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो इससे स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने कहा ना, सब ऑक्सीजन का खेल है, जितना ऑक्सीजन ब्रेन में और फेफड़ों के अंदर जाएगी उतना ही अपन को रिलीफ मिलने वाला है। तो एक तो जो अपन ने एक्सरसाइज की वाली,
इस तरह से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर छोड़ते हुए नीचे। तो ये हमारे लंग्स के लिए और डायफ्राम के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, फर्स्ट तो ये वाली। सेकंड, एक जो अपन डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, पूरा लंबा श्वास लेना और छोड़ना, इस तरह से बैक को स्ट्रेट करके पूरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। एंड व्हेन यू इनहेल एक्सपेंड योर चेस्ट, चेस्ट को एक्सपेंड करना है श्वास को लेते हुए। और देखिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में हम जो इस आसन में बैठे हैं ना, भी वज्रासन में, ये भी बहुत अच्छा आसन है उसके लिए। एक क्या करना है आपको, इस तरह से ब्रीद इन, श्वास लेते हुए हाथों को फैलाना है, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए, एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा लंबा श्वास, ये तीन एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फोर्थ नंबर की जो एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथों को आपस में पकड़ना है, किसी भी आसन, जरूरी है वज्रासन में बैठे अपन, सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज विच यू लाइक। देन आपको क्या करना है, इस तरह से ये देखिए, एक हाथ को पीछे किया, दूसरे को इस तरह से पकड़ना है, और ये एल्बोज आपकी ऊपर रहेगी इसके अंदर, और चेस्ट को एक्सपेंड करना है अपन को, ये इस तरह से बैक को स्ट्रेट करते हुए, एल्बोज जो है इसका फेस ऊपर की तरफ रहेगा, ये इस तरह से। ये दिन में कभी भी की जा सकती है, इसको दोनों हाथों से बार बार इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। देखिए, शुरुआत में हो सकता है आपको पकड़ में नहीं आए, तो छोटा नैपकिन या टावल ले लें आप, और उसकी सपोर्ट से आप इस तरह से पकड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक जो खड़े रहकर एक्सरसाइज बताई थी मैंने, ये वाली, ये भी बहुत अच्छी है हमारी लंग्स के लिए और हार्ट के लिए। ये चार पांच एक्सरसाइज आप बताएंगे तो मैम उनको बहुत रिलीफ मिलने वाला है इससे। और जो गिलोय है वो तो सबसे बेस्ट है ही, मॉर्निंग में चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको गर्म पानी में, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो वो, उस पानी के अंदर यदि आप गिलोय डालकर 2 चम्मच 3 चम्मच डालकर यदि लेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। और आपके पास यदि बेल है तो 1 से 1.5 फीट की बेल को 1 लीटर पानी में अच्छे से बॉईल कर लें, वो पानी आधा रह जाए तो सभी परिवार वालों को उस पानी को पिलाएं, उस काढ़े को पिलाएं। तो क्लास का समय हो चुका है, आज कुछ बैठने वाले और लेटने वाले आसन हो गए। ओके ओके, मैं आज तो करूं, मैं कल डेफिनेटली आई विल टेल इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, हमारे लेटने वाले और बैठने वाले आसन कुछ रह गए आज, क्योंकि समय की सीमा, आज खड़े रहने वाले आसन हमने ज़्यादा किए हैं, कल हम लेटने वाले आसन आएंगे, कल मोटापे और नीज़ की जिनको प्रॉब्लम है उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।